देखिए गाइस, ये बेबी को हैच कर रहा है। देखिए ये बच्चे निकल रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम क्या इन लोगों को खाने में दे रहे हैं वो बताएंगे, और कुछ घर में प्रोग्रेस आए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं, आज इन लोगों को हम चूरा देंगे। हम 5 मिनट पहले भिगो के रखे थे। ये चूरा है जो डेली सुबह मैं देती हूँ, और ये हर घर में दे देंगे। और थोड़ा बहुत जो भी अभी प्रोग्रेस शुरू हुआ है फिर से, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पहले सबको दे देते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को क्या क्या है इनके अंदर चल रहा है, वो भी बताएंगे। देखिए ये देते देते ही खाने के लिए आ गए हैं। देखिए कैसे खा रहे हैं। कटोरी इसका नहीं है, ये कटोरी इसका है इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं इसमें। देखिए इनके दोनों बच्चे उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, और जिनमें अभी बच्चे नहीं निकले उसमें कम देते हैं। 2 है तो 2 के लायक ही दे देते हैं। सॉरी थोड़ा सा अकेले वीडियो बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपके लिए आपको बताते हैं क्या क्या है सब घरों में। पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, ये पहला नंबर है मेरा, फर्स्ट एक नंबर ये है, तो इसी में बताते हैं। मुझे लग रहा है इनमें से बच्चे आ गए हैं। देखिए देखिए 2 बेबीज निकल चुके हैं। देखिए दोनों बेबी दिख रहा है, देखिए कैसे छुपा रहा है अपने बच्चों को। तो ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, ये अपने बच्चे को छुपा रहा है। 2 बेबीज निकल चुका है, क्योंकि सुबह ही आवाज़ आ रहा था, थोड़ा चूँ चूँ आवाज़ आ रहा था, तो मेरे ऐसे लग रहा था कि हाँ निकल गए होंगे। तो ये बच्चे निकलना स्टार्ट हो गया। दूसरे नंबर पे ये है मेरा, ये इसका देखते हैं, इसका अभी बेबी नहीं निकला, 6-8 एक से देखिए 8 या 9 है शायद, 9 एक दे रखा है। इसको मैं चेक करूँगी, फिर इनका एक्स जो है दूसरे के पास मैं फोस्टर कर दूँगी। इनमें तो अभी बच्चे है ही, ये सबसे छोटे वाले, ये ऊपर 2 बैठे हुए हैं, और ये तीसरा नंबर का केज, चौथा नंबर का केज है सॉरी, ये तीसरे नंबर पे देख लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। मुझे लग रहा है ये भी बच्चे निकाल दिए, थोड़ा हट जाए तो बताऊं। देखिए इनमें भी बच्चे निकल गए, देखिए। तो ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, बच्चे आ गए सब में ही, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस तो ठीक ठाक ही लग रहा है। इसमें देखते हैं क्या है,
ये एक्चुअली इसमें 7-8 अंडे थे, अंडे सारे ख़राब हो गए थे, तो मैं फर्स्टिंग कर दिया था, किसी और का अंडे इनकेयर के पास दे दिया था, क्योंकि इसका फर्स्ट ब्रीड है, तो इसका अंडे सब ख़राब हो गया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये जो अंडे है, इसमें 4 अंडे मैंने दिया था, 2 बच्चे निकला था, वो मैं किसी और के पास रख दिया है। इसी तरह से बच्चे को ज़्यादा करा जाता है। तो इसका एग्स मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए मैंने इसमें रख दिया था, ये देखिए इसका जो 6 अंडे है ये बेकार है। ये फर्स्ट टाइम एग्स दिया, तो फर्स्ट टाइम एग्स देने में ऐसे होता है, इसमें ब्लड आया ही नहीं, ब्लड लाइन इसका ठीक नहीं था। अब दूसरे बार जब अंडा देगा सही होगा। तो इसको मैंने दूसरे के पास से अंडे लेके दे दिया था, वो हैच करवा दिया था, उसके बच्चे उसके पास फिर छोड़ दिया, क्योंकि नया पेयर है, क्या पता ये बच्चे पाल पाएगा या नहीं। इन्हें जो है क्योंकि एग्स आना स्टार्ट हो गया है, और इनके बच्चे जो है ठंड लग रहा था, इसलिए इसी के पास मैंने पहले अलग किया था कुछ बच्चों को, फिर मैंने रख दिया, क्योंकि ठंड लग रहा था, शरीर फुला फुला के बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने ये बड़ा वाला बल्ब और लगा दिया 100 वाट का। और इसमें भी ये कुछ बच्चे मैंने और छोड़ दिया, ये भी एक पे आ गए हैं, इसका भी एग्स दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये फर्टाइल होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए सारे बच्चे को फिर इसके अंदर हमने छोड़ दिया। और इसका मैं अभी दिखा रही हूँ, इसको हाथ नहीं पहुँच रहा, मैं एक स्टूल लेके आती हूँ, स्टूल पे चढ़ के आप लोगों को दिखाएंगे इसके अंदर क्या अंडे है या नहीं है, वो दिखाएंगे। और कुछ बच्चे मैंने इसमें और छोड़ रखा, क्योंकि ये सब शरीर फुला के बैठे हुए थे, अलग जगह नहीं रख पाए, बच्चे मर जाएंगे, इसलिए एक ही रूम के अंदर मैंने सारा रख दिया। तो इसके बाद मैं एक स्टूल ले जा कर दिखाऊँगी इसके अंदर अंडे है या नहीं। तो फिर से हम शुरू करते हैं, वो स्टूल लेके आ गए हैं, हम ऊपर से आपको दिखाते हैं। देखिए शायद इसके अंदर अंडे होंगे, क्योंकि सबको भगा रहा है, ये देखिए ये बैठी हुए हैं, इसका मतलब एग्स दे रखे हैं दोनों जने, ज़रूर दे रखे होंगे, तभी ये दोनों जने बैठे हुए हैं। मुझे नहीं दिख रहा, आप लोग देख लीजिए, शायद दिख जाए, मैं ज़्यादा तंग करना पसंद नहीं करती हूँ, थोड़ा हटे तो अपना। ये देखिए आप देखिए दिख रहा है, हाँ एग्स दे रखे हैं, तभी ये दोनों अंडे के ऊपर बैठ रहे हैं और बाकी सबको पका रहे हैं। और ये कुछ बच्चे मैंने इसमें और रखा है, तभी भी देखिए उसने एग्स दे रखा है और सबको भगा रहा है अपने अंडे को सेंकने के लिए। तो ये बच्चे को मैं सेल जल्दी कर दूंगी, इसमें 6-7 बच्चे हैं, और इस तरफ भी 6-7 बच्चे हैं। इस बार का मेरा 20 बच्चे आया था, 5-6 बच्चे मैंने सेल कर दिया, मेरे अगल बगल से आते रहते हैं, ले जाते हैं। अब कुछ नया नया पेयर, पहले का जो था वो ये सब है, ब्रीड पे हो आ गए हैं, ये एक पेयर है, ये पहला एक पेयर ब्रीड पे आ रखा है, पहले का पेयर जो एक बार बच्चे निकल चुके, ये नया पेयर है। मैंने आप लोगों को पहले भी पुराने वीडियो में शेयर किया था, एग्स देगा तो हम बताएंगे, जो ऊपर दोनों बैठे हैं वाइट और वो दोनों उस टोकरी में बैठे हैं, उन्हीं का ही अंडे है, बाकी सब बच्चे हैं मैंने इसमें रखा, ये सबको जल्दी अलग कर दूँगी। और ये एक पेयर है, ये 3 पेयर मैंने पहले में से, सॉरी 4 पेयर मैंने पहले में से इकट्ठा किया, जो मेरा पहले का 14 बच्चा, उनमें से 8 पेयर, 4 पेयर मतलब 8 पीस मेरे को एग्स देना चालू कर दिया, बच्चे में निकलना स्टार्ट कर दिया। तो यही था छोटा सा एक वीडियो, तो अच्छे लगे तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है तो वो प्रेस कर दें, बेल आइकन को प्रेस करने से मेरा जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू गाइस, वीडियो को पूरा देखा करें तो अच्छा लगेगा। देखिए कैसे चूड़ा खा रहा है, तो चूड़ा बहुत, चूड़ा में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो चूड़ा देना चाहिए पेट भरा हुआ, बच्चे को खिलाने में भी इनको आराम मिलता है, नरम चीज़ है, दाना खिला के बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए कैसे चूड़ा खा रहा है, तो सभी में थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस अच्छा ही आया है। बाय।